अभी हम छत पे आए हैं, थोड़ा सा मास्टर केज की सफाई कर रहे हैं। ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था, और हमने सोचा थोड़ी सी इसकी दोस्तों सफाई करते हैं। काफ़ी दिन पहले हमने सफाई की थी, तो सारा मास्टर केज हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। इसको आज हम साफ कर रहे हैं, और सारी गंदगी इंशाल्लाह इसकी बाहर निकालेंगे। छत को भी दोस्तों साफ करना है। हमारे कबूतर इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कब नीचे से सफाई और दाना डालें और हम नीचे आएं। थोड़ी देर के बाद दाना डालते हैं। वहाँ हमने बर्तन रख दिए, उसमें बाजरा डाल देंगे। मोर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भूखा है, तो इसको भी अभी खुराक वगैरह डालनी है। और इनकी स्टेरिन की कोलियाँ भी सारी पानी वाली दोस्तों गंदी हुई पड़ी हैं, इनको भी साफ़ करना है जी। बल्कि इनको पहले दोस्तों साफ़ कर देते हैं। देखो मोरों का तो हमने ताज़ा पानी डाल दिया, स्टेलियन का रहता है इनका भी डाल देते हैं। और उसके बाद बाजरा दोस्तों डाल देंगे। ये बाजरा दोस्तों खाती कम है और ज़ाया ज़्यादा करते हैं। ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा इन्होंने अंदर में गंद डाल दिया है जिस बर्तन में। सारी नीचे आ जाती हैं एकदम से, तो सारी लड़ाई करती रहती हैं। फिर बैठ के बर्तन भी सारा दाने वाला इन्होंने ख़राब कर दिया, जो गंदा इस तरह वो पड़ा है। अभी इसको भी साफ़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने सारी छत की सफाई वगैरह कर दी है जी। मास्टर केज की भी सफाई की है, और इधर वो दूसरा छत है उस पर भी, और हीरा मुर्गा और मुर्गियों की उनकी भी सफाई वगैरह हमने दोस्तों कर दी है। अभी इंशाल्लाह दोस्तों को शो करवाते हैं दूसरे मुर्गों वगैरह का। टेंशन को भी छत पे ही खोला हुआ है अभी, तो अभी आपके साथ शेयर करते हैं जी। वीडियो का एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। आए आपको शो करवाते हैं। सफाई कर रहे हैं जी, ये देख रहे हैं। असल में दोस्तों ऊपर बीठे वगैरह करती रहती हैं बैठ के, तो उस वजह से सारा ये बर्तन हमारा जो दाने वाला है ना, सारा ही गंदा हो जाता है जी। असल में इसको धोना था, लेकिन धोने से एक काम ख़राब होने दोस्तों, वो सारा गीला हो जाने, फिर इसका सूखने का इंतज़ार करना पड़ने। तो हमने दोस्तों जाना है ड्यूटी पर भी काम पर, तो उस वजह से ना ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर पा रहे कर पाएंगे। जैसे भी सारा ये गंदा हो गया जी, ये असल में नीचे से नमी वगैरह आती रहती है। असल में अंदर से मास्टर केज जो है ना, स्टेलिन का जो अंदर से केजेस है, उसको दोस्तों साफ़ करना है कभी, लेकिन आज तो नहीं, फिर कहीं उसको भी साफ़ करते हैं। फिर उसको भी साफ़ करके और दाना वगैरह फिर दोबारा डाल देंगे जी। पानी वाली भी सारी कोलियाँ दोस्तों धोने वाली हैं जी। साफ़ करके दोस्तों को दोनों को लगा दिया है जी। असल में मेरे पास कैमरा पकड़ने वाला दूसरा आदमी नहीं है, तो उस वजह से ना कैमरे को दोस्तों बंद करना पड़ता है मुझको। इस वजह से ना आपसे वीडियो थोड़ी सी शेयर नहीं कर पा रहे सही तरीके से दोस्तों। पानी दोनों में दोस्तों ताज़ा डाल दिया, देख रहे हैं अभी। अभी इनको बाजरा डालेंगे। बाजरा भी डाल दिया, तो नीचे इन कमोरों को डाल देते हैं। ये मिट्टी में दोस्तों खुश रहते हैं खाते वक्त ना।
पंजे वगैरह मारते रहते हैं मिट्टी में, फिर दाना खाते रहते हैं। तो ये बाकी सब कर लिया दोस्तों, दाना भी डाल दिया है और बाकी सफाई कर कर सारा कूड़ा बाहर फेंक कर फिर दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते हैं जी। आज दोस्तों को बताएंगे जुए को मतलब भी, जो मुर्गों को जुए वगैरह बन जाते हैं जिसको चड़े वगैरह भी कहते हैं जी, परों के नीचे अक्सर दोस्तों बन जाती है, या खुडे में या आपका लकड़ी का खुडा है उसमें भी बन जाती हैं, उनको मारने का तरीका और उनको उनसे मुर्गों को बचाने का तरीका। अभी इस मुर्गे को दोस्तों बनी थी तो अभी हमने इसको दवाई वगैरह लगाई है तो काफ़ी हद तक दोस्तों इसकी मर चुकी हैं। अभी इसका मुंह जो है ना बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, अब हल्का हल्का रेड होने लग पड़ा है, पूरा तो नहीं अभी रेड हुआ लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। तो इसको बिल्कुल खून की कमी हो चुकी थी उस वजह से ना इसको हमने दवाई वगैरह लगाई है, तो दवाई वगैरह लगाई है तो काफ़ी हद तक दोस्तों ये बेहतर हो चुका है। तो आपको चेक करवाते हैं जी इसका, जहाँ जहाँ पे जुए पड़ी थी इसको अभी तक, ये देख ये जुए हैं और ये परों के नीचे सभी जुए इसकी बनी हुई हैं दोनों साइडों पर, दोनों साइडों पर इसको दोस्तों बनी हुई हैं, लेकिन अभी मर गई हैं, वो साफ करनी है तो निकल जाने क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी हैं। हमने जो इसको दवाई भी लगाई थी ना दोस्तों, दवाई बनाने का तरीका आपको बताते हैं कि आप दोस्त भी किस तरह बना के और मुर्गों को अपनों को लगा के और उनको मुर्गों को ठीक कर सकते हैं। अक्सर हमारे दोस्त होते हैं उनको नहीं पता होता, उसकी वजह से ना आपको बताते हैं जिनको नहीं पता होता उनकी। तो कोशिश किया करें दोस्तों, पहली बात तो ये है अपने खुडे की सफाई रखा करें। अगर आप अपने खुडे की सफाई वगैरह रखेंगे ना तो उम्मीद है आपकी जुए नहीं बनेंगी आपके खुडे में, लेकिन फिर भी अगर सफाई भी रखते हैं फिर भी बन जाती हैं तो फिर आसान सा तरीका है उसका बनाने का दोस्तों। एक तो लेना है जी थोम और दूसरा एक प्याज आपने ले लेना है, एक पूरा थोम ले लेना है और एक प्याज। थोम लेना है जी दोस्तों, लहसुन जिसको कहते हैं वो जिस तरह एक पीस होता है ना वो नहीं लेना, पूरा जो थोम बना होता है वो वाला लेना है। एक पूरा प्याज ले लेना है जी आपने, उन दोनों को कूट लेना है, उनका पानी निकाल के और सरसों का तेल, सरसों का जिसको कहते हैं तेल, सरसों के तेल में उसको मिक्स कर लेना है जी। तो मिक्स करके दोस्तों वो मुर्गों के परों के नीचे लगाना है, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के बाद वो आपकी जो जुएँ हैं ना वो मर जाएंगी। अगर आपके खुडे में बन गई हैं तो उसको किसी शावर में डाल लें और उस शावर के साथ उस खुडे में आप करें जी स्प्रे, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी जुएँ आपके मर जाएंगी, जो भी जुएँ बाहर निकलेगी ना वो दोस्तों मर जाएगी। बहुत आसान सा तरीका है जी बनाने का, तो इतना ख़र्चा भी नहीं है, दोस्त ज़रूर ट्राई करें इसको। हमने ट्राई की है और हमारे बिल्कुल मुर्गे हमारे ठीक हो गए हैं, उस वजह से हम भी आपको मशवरा दे रहे हैं दोस्तों कि कोशिश करें ये बनाएं दवाई और अपने खुद मुर्गों को बहाल करें और ठीक करें। दिखाता हूँ जी, ये देख रहे हैं कि अभी जो जुए हैं ना दोस्तों वो मेरा पाँव रखना पड़ना क्योंकि मेरे पास असल में ना कैमरा पकड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये देखिए मर गई हैं ना दोस्तों, जहाँ जहाँ हाथ लगा रहे हैं सिर्फ ये मरी हुई चिपकी पड़ी हैं, लेकिन हैं ये मर गई हुई दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ये बहुत तरीका हमारा जो है ना, कल हमने लगाई थी और आज बिल्कुल ये देख रहे हैं मुर्गा हमारा बिल्कुल ठीक हो गया।
फिर ये जहाँ पे चिपकी हुई थी वो अभी वहाँ पर ही हैं, लेकिन ख़त्म हो गई हैं। तरीका बिल्कुल आसान है दोस्तों बनाने का। जो भी हमारे नए दोस्त हैं जिनको नहीं पता वो ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपके मुर्गे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ ज़िंदा है मुझे लगता है, यहाँ पे दवाई नहीं लगी थी। चलें आज फिर इस जगह पे भी लगा लेते हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल ये मुर्गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे भी हैं जी। अक्सर दोस्त जो कहते हैं कंपोस्ट पाउडर मारें जी, उसके साथ जुएँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, वो दोस्तों पहली बात तो ये कि आपने जब कंपोस्ट पाउडर मारना है ना, तो उसमें से जो मिट्टी और धूल उठती है ना वो सारी इंसान के गले में जाती है और ख़ुद भी जो हमारे दोस्त हैं वो बीमार हो सकते हैं उस वजह से, तो वो ख़ुद भी बीमार हो सकते हैं उस वजह से। इस वजह से उसको ट्राई ज़रूर नहीं कर उसको ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान का अपना भी नुकसान उस वजह से हो सकता है, क्योंकि जहर होती है दोस्तों वो। तो ये जो हमने नुस्खा आपको बताया है ना, इसकी कोई टेंशन नहीं और कुछ भी नहीं होता, और सिर्फ हाथों के साथ आपने लगाना होता है, तो फिर आज जाके हाथ आप धो सकते हैं। तो ये वाली दवाई बनानी भी आसान है और मसला भी इसमें कोई नहीं आता। टेंशन अभी उठ गया दोस्तों, बैठा हुआ था आ रहा है इधर पास, तो अपने मुर्गों को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों जी। उम्मीद है जी दोस्तों को हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।